मोड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मोड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मोड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच। दिस इज द फार्मूला फॉर मोड। अब ये मोड का फार्मूला है, इसमें ये सब क्या है, एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। एच है क्लास साइज। एफ जीरो है फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग टू मॉडल क्लास। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, ठीक है। तो ये आपके लिए ये है फार्मूला एंड दीज आर द नोटेशन। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच इज क्लास साइज, एफ जीरो इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास प्रेसिडिंग टू मॉडल क्लास, एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड एफ टू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास। लेकिन ये तो सब हो गया, लेकिन बात तो वो बाकी है, एक चीज़ बाकी है, वो है मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं किसको आता है मुझे बताइए, मोड क्या होता है बताइए रे। आप क्लास 9 में पढ़े हो ना, मीन मोड मीडियन, एनीबॉडी हु कैन टेल मोड, कौन बता सकता है मोड मतलब क्या होता है, मोड क्या होता है। अभिनव बता रहे, अभिनव प्रेजेंट है, अभिनव शर्मा प्रेजेंट है, यस सर। हाँ बता व्हाट इज मोड, क्योंकि उसके बाद ही तो पढ़ेंगे ना अभी, ये तो 10th क्लास का फार्मूला है तो। लेकिन आपकी इसमें पूछा है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास तो फाइंड करना पड़ेगा। हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, तो सबसे पहले मॉडल क्लास तो पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें और एक कंडीशन है, इस साल बाय मॉडल सिचुएशन अवॉइड करना है, मतलब दो अलग अलग क्लास मोड नहीं रहेंगे, मतलब एक ही क्लास मोड रहेंगे, ऐसे प्रॉब्लम आपको दी जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोड, मोड क्या होता है अभिनव। बोलिए कौन है तुम सर? मोस्ट रिकरिंग नंबर। हाँ मोस्ट ऑकरिंग नंबर, वेरी गुड। हाँ जो फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड मोड। जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो होता है मोड। तो ये जो है 9th क्लास का डेफिनेशन ऑफ मोड जो है, वो आपको 10th क्लास में काम में आएगा, क्योंकि F0, F1 एंड F2 ये तीनों के तीनों, और ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये चारों नोटेशन है, दीज आर डिपेंड ऑन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना जरूरी है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, यू मस्ट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन मोड, मोड जो क्लास 9 की डेफिनेशन है वो लिख दीजिए। द ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, फ्रीक्वेंसी मोड नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है, मोड है। डू यू गेट क्लियर व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोड? मोड इज द
ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सपोज मैंने क्लास में एग्जाम ले लिया 0 to 10 marks, 10 to 20 marks, 20 to 30 marks, 30 to 40 marks, ये है मार्क्स है, मतलब एक क्लास इंटरवल है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसमें 4 बच्चे हैं, इसमें 6 बच्चे हैं, इसमें 10 बच्चे हैं और इसमें 5 बच्चे आ गए। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस ऑब्जर्वेशन की है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस ऑब्जर्वेशन की, विच क्लास इंटरवल 20 to 30 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी इसका मोड नहीं है, तो ये 20 to 30 इज मॉडल क्लास, 20 to 30 इज मॉडल क्लास, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये जो 20 to 30 है मॉडल क्लास, तो इसका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो गया 20 हो गया L, और ये F0, F1 और F2, F0 है इसके पहले के क्लास का फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पहले का क्लास का फ्रीक्वेंसी है 6, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है 10 और मॉडल क्लास के बाद का फ्रीक्वेंसी है 5, F0, F1, F2, समझ में आया? तो इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, बात करते हैं, इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ये क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं, सबको क्लियर है? यस सर, यस। देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि भाई हमारे क्लास में मैंने क्लास टेस्ट, आई हैव कंडक्टेड क्लास टेस्ट, एंड इन द क्लास टेस्ट 0 to 10 marks पर जितने स्टूडेंट को मिले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 4 स्टूडेंट्स आर देयर, 10 to 26 स्टूडेंट्स आर देयर, 20 to 30 10 स्टूडेंट्स आर देयर, एंड 30 to 40 marks ऑब्टेनिंग स्टूडेंट्स आर 5 देयर, सो हियर 10 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट मीन दैट 20 to 30 दिस क्लास इंटरवल हैज गॉट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज वाई 20 to 30 इज द मॉडल क्लास, 20 to 30 इज मॉडल क्लास, मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 20, L इज 20, देन F1, F2 and F0 ऑर्डर में लिखिए, F0, F1 और F2 ऑर्डर में लिखिए, और सीधा इस ऑर्डर में आप लिख लीजिए, ये 6, 10 और 5, ये प्रिसीडिंग वाला हो गया, ये मॉडल क्लास हो गया, और ये सक्सीडिंग हो गया, 6, 10 और 5 हो गया, क्लियर? ये इसको F0, F1 और F2 के फॉर्म ऑर्डर में लिखिए, और इसको भी ऑर्डर में लिख दीजिए, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग टू मॉडल क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास F0, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, क्लियर हो गया? आगे बढ़े हाँ, अभी हम समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हम इसी को प्रॉब्लम को करते हैं, तो यहाँ पे सब पुट करना पड़ेगा, खाली क्या एज फाइंड करना है, तो एज तो आप जानते हो, इसका इसकी क्लास साइज कितना है, 30 - 20 दैट इज इक्वल टू 10 क्लास साइज, इसकी क्लास साइज 10 है, तो एच हो गया 10, ये सब पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबको ये क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ ना, ठीक है? चलो आपके टेक्स्ट बुक का पहला प्रॉब्लम है, ये आपके पास ऊपर में फार्मूला लिखा हुआ है, व्हाट इज मोड, मोड इज एल प्लस ब्रैकेट इन ब्रैकेट F1 - F0 - F2 इंटू एच, एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रिसीडिंग टू मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग टू मॉडल क्लास, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, मीन सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक का देख लीजिए, फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर, आप जानते हो अभी पैंडेमिक ही चल रहा है और ये प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है ना, क्या दिया है, एज दिया है इन ईयर्स, और यहाँ दिया है नंबर ऑफ पेशेंट्स, दूसरा दिया है एजेस इन ईयर एंड
नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है ना। अभी एजेस इन ईयर क्या दिया है, 5 to 15, 5 to 15 ईयर्स के पेशेंट कितने हैं, 6 है। 15 to 25 एजेस वाले पेशेंट कितने हैं, 11 है। 25 to 35 एजेस के पेशेंट कितने हैं, 21। और 35 to 45 एजेस के पेशेंट हैं, 23। और 45 to 55 एजेस के पेशेंट हैं, इसके पेशेंट है 14। और 55 to 65 एजेस के पेशेंट है 5। ओके, इस ये जैसे पेशेंट है 5। फिर से देख लीजिए ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल लिख देख लीजिए। एजेस ऑफ द पेशेंट दिया है, पेशेंट का एज है 5 to 15 ईयर्स रेंज के पेशेंट है 6, 15 to 25 11, 25 to 35 21, 35 to 45 23, 45 to 55 14 एंड 55 to 65 5। अभी हमारे को इसमें से तीन क्लास इंटरवल की ज़रूरत है, तीन क्लास इंटरवल की नहीं, तीन फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है और एक क्लास इंटरवल की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा मुझे एक बात बता दीजिए कि इसमें मॉडल क्लास कौन सा है, विच इज़ द मॉडल क्लास। एकदम आसान है ना मॉडल क्लास पहचानना, 35 to 45, बिकॉज दिस हैज गॉट अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास है 35 to 45 मॉडल क्लास है। क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 35 to 45 मॉडल क्लास है। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया एफ ज़ीरो, ये हो गया एफ वन और ये हो गया एफ टू, एफ ज़ीरो एफ वन एफ टू, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। इट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, क्लियर। अभी हमें दूसरी चीज़ चाहिए एल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 35 और उसके पास चाहिए, उसके बाद चाहिए एच, क्लास साइज, क्लास साइज है 15 - 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास सभी चीज़ मिल गया। व्हाट इज एल, एल इज 35। व्हाई एल इज 35, बिकॉज मॉडल क्लास इज 35 to 45, क्लास साइज इज, सभी का क्लास साइज सेम है, 25 - 15 10 है, 35 - 25 10 है, क्लास साइज एच हो गया 10 और ये हो गया एफ ज़ीरो, ये हो गया एफ वन और ये हो गया एफ टू। सभी चीज़ क्लियर है, अभी क्लियर है बच्चे लोग। अभी हमारे पास मोड का फॉर्मूला है, व्हाट इज मोड, मोड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो, एफ वन माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2f1 - f0 - f2 इंटू एच, और जो जो है रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मोड इक्वल टू एल इज, एल इज व्हाट, एल बताइए कितना दिया है, एल कितना दिया है, 35। यहाँ पे सब आपके बोर्ड पे है, एल 35, एच है 10 है, सब आएगा उसके आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ वन है 23, इट इज 23 माइनस एफ ज़ीरो है 21, 23 माइनस 21, 2f1, टू एफ वन मतलब 2 times 23 कितना होता है, ये 2f1 46, 2f1 माइनस एफ ज़ीरो, एफ ज़ीरो है 21 और उसके बाद माइनस है 14, माइनस है 14, तो ये दोनों का एडिशन करके 42 में से माइनस करना है, इंटू टेन है तो 35 प्लस। अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए, पहले इसका वैल्यू निकालिए और 35 में ऐड करिए, तो ये देख लीजिए, ये हो गया 2 हो गया, 23 - 21 2 हो गया 46 प्लस, हाँ 23 प्लस होता है, प्लस दिया है कि माइनस है फार्मूले में, माइनस हाँ कहाँ पे रे प्लस, हाँ 23 - 21 2 हो गया, हाँ 23 - 21 2 हो गया।
अभी 46 में से ये दोनों का एडिशन करिए, सबट्रैक्ट करिए, 46 माइनस 35, 46 माइनस 35 कितना हो रहा है रे? 46 माइनस 35 हो गया 11, 11 और ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर हो गया तो 20 हो गया, तो आपको आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 11। ये ऑफकोर्स इट इज ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, तो आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड कर दीजिए, 35 प्लस 11 वनजा 11 टू जा 22 होता है, तो 11 वनजा आ जाएगा और 11 वनजा हो गया तो रह जाएगा कितना 9, 11 एट जा तो ये हो जाएगा 36.8 अप्रोक्सीमेटली, 36.8 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये आप क्लियर हो गया होगा आपको, थर्टी सिक्स पॉइंट एट क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो दिस इज हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। मुझे नहीं लगता है कोई बहुत, मुझे लगता है मीडियन तो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें थोड़ा सा फार्मूला ध्यान में रखना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा देख लीजिए इसको, मीडियन का और मोड का जो फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है। तो मोड हो गया 36.8 ईयर्स, मोड हो गया 36.8 ईयर्स, ये हो गया उसका मोड। सभी को समझ में आया होगा, जब बोलेंगे तो मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। यस सर। नेक्स्ट मिटा दो इसको। जब बोलेंगे तो मिटाता हूँ और मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी गुड। अभी सेकंड प्रॉब्लम देख लीजिए, व्हाट इज गिवन इन द सेकंड प्रॉब्लम, द लाइफ टाइम इन आवर्स अप टू 22 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आपको लाइफ टाइम दिया है, लाइफ टाइम इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स और फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितने हैं, ठीक है ना। वैसे हमारे को मैथमेटिक्स वाले का कोई इससे कोई लेना देना नहीं कि ये सब क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लाइफ टाइम मतलब जैसे आपने टीवी ले लिया, तो भाई टीवी ले लिया आज ले लिया, तो आप ऐसा तो नहीं होता है कि पूरा ये पीढ़ी में ले लिया तो दो जनरेशन चलेगा। अभी आप देख लीजिए पुराने जो छोटे डब्बे वाले टीवी थे वो आज थोड़ी चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आदमी का एज होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का भी एज होता है। आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल बल्ब लाते हैं तो भाई उसका भी तो कोई लाइफ टाइम होता है, कोई एक साल चलता है, कोई दो साल चलता है, कोई महीने में ही हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है लाइफ टाइम आवर्स में दिया है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का और उसकी फ्रिक्वेंसी दी है। तो यहाँ दिया है 0 to 20 आवर्स चलने वाले कंपोनेंट है 10, 20 to 40 आवर्स चलने वाले कंपोनेंट है 35, 40 to 60 आवर्स चलने वाले कंपोनेंट है 52, उसके बाद 60 to 80 आवर्स चलने वाले कंपोनेंट है 61 और 80 to 100 आवर्स इतना लाइफ टाइम वाले कंपोनेंट है 38 और 100 to 120 आवर्स इतना चलने वाले कंपोनेंट है 29। और आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इनका मॉडल लाइफ टाइम फाइंड करना है। वैसे ही आपको पुराने प्रॉब्लम जैसा ही, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मॉडल क्लास बताइए तो कौन सा है रे बच्चे लोग,
मॉडल 60 to 80 आवर्स है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास है 60 to 80 आवर्स बिकॉज दिस इज द फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास इज 60 to 80 आवर्स, मॉडल क्लास इज 60 to 80 आवर्स मीन्स अफकोर्स इट इज एल इक्वल टू 60, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल इक्वल टू 60। देन क्लास साइज 40 - 20 - 20, 0 - 20 - 0 - 20, क्लास साइज इक्वल टू 40 - 20 दैट इज इक्वल टू 20, दो चीज मिल गया। और ये हो गया एफ ज़ीरो, ये हो गया एफ वन और ये हो गया एफ टू, एफ ज़ीरो एफ वन एंड एफ टू सभी चीज मिल गई। यू गॉट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, सभी क्लियर है बच्चे लोग अभी? एफ ज़ीरो फिफ्टी टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 61, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास 38। ये ऑर्डर में लिख दो, F0, F1, F2, क्लियर। सो नाउ इट इज F0, F1, F2। अब आप क्या करेंगे, ये सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये मोड क्या निकलेगा इसका, मोड लाइफ टाइम ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट निकलेगा एम मोड इक्वल टू एल प्लस F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू एच, और वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू L इज 60 प्लस F1 इज 61 माइनस F0 52 डिवाइडेड बाय 61 - 52 डिवाइडेड बाय 2F1 मतलब 122, 2F1 122, डू यू एग्री? ये F1 का डबल है 122, ठीक है ना बच्चे लोग, आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता है ना, बस मैं याद दिला रहा हूँ। माइनस F0 52 माइनस F0 52 माइनस F2 दैट इज 38 हो गया इंटू 20, साइज ऑफ क्लास इज 20, क्लास साइज इज 20। अभी आप मुझे कैलकुलेशन बताइए, ये हो गया 60 प्लस 61 माइनस 52 कितना, 61 माइनस 52 हाउ मच, 61 माइनस 52 कितना रे बच्चे लोग? 61 माइनस 52 हो गया 9 डिवाइडेड बाय 122 डिवाइडेड बाय 90 दैट इज इक्वल टू 32 इंटू दिस 20 ये 20 और ये सब कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 16। अब 90 डिवाइडेड बाय 16 देख लीजिए, 19 डिवाइडेड बाय 16 हो जाता है 19 डिवाइडेड बाय 16 हो जाता है 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 16 होता है 5.625, तो ये हो जाएगा 65.625 इज द मॉडल, इतना आवर्स मॉडल लाइफ टाइम इक्वल टू इतना आवर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मॉडल लाइफ टाइम कितना हो गया 65.625 आवर्स। सभी को क्लियर? यस सर। चलो अभी खाली एक प्रॉब्लम बनाने के इतना हमारा समय बाकी है, और वो होने के बाद मैं कल फिर मीडियन के 2-3 प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा इधर उधर के टेक्स्ट बुक से देख के मैं आपको अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना और फिर मैं मीन मोड मीडियन एक साथ, ठीक है, ऐसा करेंगे।
तो ये लिखना हो गया, तो मुझे बताइए मिटा के मैं दूसरा एक प्रॉब्लम विद इन 10 मिनट्स करा देता हूँ। 10 मिनट्स? हाँ हाँ, अरे आराम से लिखिएगा। अभी देख लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ता हूँ, फिर तब तक आप ये लिख लीजिए, तो मैं फिर इसमें डाटा एंटर कर देता हूँ। थर्ड प्रॉब्लम दिया है, दिस डाटा गिव्स द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। आपको मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फाइंड करना है, ठीक है ना। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, 200 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर दिया है, 200 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में रहेगा रे बच्चे लोग, कोई बता सकता है एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में रहेगा? रुपीज के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। खर्चा कैसे रहेगा? रुपए को रुपीज के फॉर्म में रहेगा ना एक्सपेंडिचर। चलो आप देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया है इन रुपीज, खर्चा कितना हो गया? खर्चा हो गया है, देखिए फैमिलीज का खर्चा दिया है 1000 to 1500, एक्सपेंडिचर करने वाली 1500 तक एक्सपेंडिचर करने वाली फैमिलीज है। नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे है 24, फिर 1500 to 2000 मंथली एक्सपेंडिचर फैमिलीज है 40 2000 to 2500, इतना एक्सपेंडिचर करने वाली फैमिलीज है 33। उसके बाद 2500 to 3000, इतना एक्सपेंडिचर करने वाली फैमिलीज है 28। देन 3000 to 3500, इतना एक्सपेंडिचर करने वाली फैमिलीज है 30। 3500 to 4000, इतना एक्सपेंडिचर करने वाली फैमिली है 22। एंड 4000 to 4500, इतना एक्सपेंडिचर करने वाली 16। और 4500 to 5000, इतना एक्सपेंडिचर करने वाली फैमिलीज है 7। और टोटल फैमिलीज कितना है? 200 है। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में ये 200 का खास लेना देना नहीं है, हमें तो खाली मॉडल फाइंड करना है, क्या है मॉडल क्लास कौन सा है। तो आपको अभी तो अंदाजा आ गया होगा कि मॉडल क्लास इसमें कौन सा है, 1500 to 2000, ये है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, ये हो गया F0, F1 और F2। तो सबसे पहले मॉडल क्लास हो गया रुपीस 1500 to 2000, ये हो गया मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो L हो गया 1500, ये पहली बात होगी। क्लास साइज H है, क्लास साइज है 2000 minus 1500, दैट इज इक्वल टू 500, क्लास साइज होगी 500। दो चीज़ निकल गई, H निकल गया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास निकल गया, और ये F0, F1 और F2। F0 हो है 24, F1 है 40 और F2 है 33। हो गया बच्चे लोग सभी क्लियर?
अभी हम क्या करेंगे, मोड का फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और मोड फाइंड करेंगे. मोड इक्वल टू एल एफ वन माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच. हो गया, दैट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 1500. F1 how much F1? F1 is 40 minus F0 minus F0 24 divided by 2F1 40 ka double 80 2F1 80 minus F0 minus 24 minus F2 33 into 500. क्लियर हो गया बच्चे लोग? अब आप मुझे बताइए सब क्या हो है. ये हो गया 1500 प्लस ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 57 हो रहा है 80 माइनस 57 इंटू 500. तो 80 माइनस 57 इंटू 80 माइनस 57 हो रहा है 23. तो ये हो गया 1500 प्लस ये डिनोमिनेटर आ जा रहा है 23 और न्यूमरेटर आ रहा है 16 इंटू 500 होता है 8000. 8000 डिवाइडेड बाय 23 दैट इज इक्वल टू 1500 प्लस 347.826. थर्ड पे राउंड अप किया है. अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. तो इसका एडिशन कर दिया तो हो जा रहा है 1847.8226 मतलब 83. तो ये हो जा रहा है इसका, व्हाट इज दिस मॉडल एक्सपेंडिचर. बच्चे लोग ये समझ में आया सबको? स्टूडेंट्स डू यू गेट दिस प्रॉब्लम? देख लीजिए इसमें क्या क्या किया हमने. सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी ढूंढी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज कहाँ पे है 40 है. तो दिस 1500 टू 2000 इज द मॉडल क्लास 1500 टू 2000. सो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 1500. क्लास साइज यू कैन टेक एनी क्लास एंड फाइंड डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. तो ये हो गया 500. F0, F1 एंड F2 और सब वैल्यू पुट कर देता आपका मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ ईच फैमिली आ गया 1847.83 रुपीज़.